हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस साल की 10th और 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम मई 2021 में होने वाली है और इसके लिए 30th दिसंबर यानी कि आज ही अभी थोड़ी देर पहले 7:30 बजे के आसपास गुजरात एजुकेशन बोर्ड का एक नया नोटिफिकेशन आया है और उसमें उन्होंने जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से क्या पेपर स्टाइल रहेगी वो पब्लिश किया है। तो आज के सेशन के अंदर मैं यहाँ पे 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को उनकी क्या न्यू पेपर स्टाइल है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पर हर बार की तरह इस बार का भी ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ गुजराती लैंग्वेज में ही पब्लिश हुआ है, मतलब कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो जाती है समझने में। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखो, ये है पूरा नोटिफिकेशन जो अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब मैंने कहा 7:30 बजे के आसपास पब्लिश हुआ और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन गुजराती लैंग्वेज में ही दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे कोई सेपरेट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ है। और हर बार दोस्तों यही प्रॉब्लम होता है कि नोटिफिकेशन गुजराती में ही आता है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है, मतलब कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब सारी चीजें गुजराती मीडियम वालों के लिए पब्लिश होती है, हमारे लिए तो कुछ पब्लिश ही नहीं होता है। तो यहां पे दोस्तों आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज अभी हम जिंदा है, मतलब कि मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सारी चीजें इंग्लिश में प्रोवाइड करने वाला हूं, समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी चीजें अच्छी है ये न्यू पेपर स्टाइल के हिसाब से, कौन सी चीजों में आपको ध्यान रखना होगा, वरना जो चीज अच्छी लगती है वही आपके ज्यादा मार्क्स कट कर देगी। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस पूरे सेशन को आप देखना। आपके जो कोई भी फ्रेंड 12th कॉमर्स में है पूरे गुजरात में कहीं पे भी, उन सब को ये सेशन जरूर शेयर करें। सो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। और आज के सेशन के अंदर दोस्तों मैं आपको अकाउंट की ये पूरी पेपर स्टाइल डिटेल में समझाने वाला हूं, मतलब जो एजुकेशन बोर्ड ने भी अपने नोटिफिकेशन में नहीं रखा है उसको भी मैंने एनालाइज करके यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी रहे। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वो चीज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये पूरा सेशन देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छी कमेंट लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो गालियां लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस कितने आएंगे और वेटेज कितना रहेगा। तो देखो, यहाँ पे चेंज हुआ है सेक्शन ए में एमसीक्यू जो कि पहले 10 आते थे उसकी जगह पे अब 15 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको भी 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि यहाँ पे सेक्शन ए में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है, यानी कि टोटल सेक्शन ए जो कि है एमसीक्यू इसका वेटेज हो गया 15 मार्क का। उसी तरह से नेक्स्ट है सेक्शन बी यानी कि वीएसक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें भी पहले ओल्ड पेपर स्टाइल के हिसाब से 10 क्वेश्चंस आते थे जबकि अब हो गए हैं 15 क्वेश्चन और यहां पर भी आपको 15 क्वेश्चन ही लिखने हैं, मतलब कोई ऑप्शन यहां पर भी नहीं है और हर एक का एक मार्क है, यानी कि टोटल सेक्शन बी का वेटेज भी है 15 मार्क। तो यहाँ पे 10 मार्क का वेटेज सेक्शन ए और बी में बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, हम तो यहाँ पे मतलब बल्ले बल्ले हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, याद रखना सबसे ज्यादा मार्क्स जो कट होते हैं वो सेक्शन ए और बी में ही होते हैं। तो ये चीज जो आपको शायद स्टूडेंट के एंगल से ऐसा लगे कि सर एमसीक्यू है ना, हम लोगों तो वो जय माता जी करके टिक कर देंगे, पर वहीं पे आप सबसे ज्यादा मार्क्स गवाते हो। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी नेगेटिव चीज है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो 10 मार्क्स बढ़ाए हैं वो ये सेक्शन सी और डी में से निकाले हुए हैं, तो यहां पे आप जहां पे स्कोरिंग कर पाते थे वो कट हुआ है और वो चीज जहां पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना होगा वो बढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर की शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क होता है। अब यहां पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब अब ये चीज जो जनरल ऑप्शन हो गया है वो बहुत बढ़िया है। मतलब पहले ऐसा था कि फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन पूछा है तो उसके और में आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही एक क्वेश्चन दिया जाता है और वो दोनों में से ही एक को अटेम्प्ट करना पड़ता था,
पर अब न्यू पेपर स्टाइल के हिसाब से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस देंगे और उसमें से आपको जो पसंद हो वो 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब कोई चैप्टर आपको टफ लगा है और उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना होगा, जो कि ओल्ड सिस्टम के हिसाब से आपको सारे के सारे चैप्टर्स कंपलसरी करने पड़ते थे। यहां पे आपको ये थोड़ा एग्जम्पशन और थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। तो ये सेक्शन सी का वेटेज 12 मार्क्स हो गया, जो कि पहले 6 क्वेश्चंस आते थे और 18 मार्क का वेटेज था, तो 6 मार्क यहां से कट कर दिए है बोर्ड ने। उसके बाद सेक्शन डी, जिसके अंदर भी शॉर्ट सम्स आते हैं और यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे पर आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3 और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं, तो यहां पे इस सेक्शन का वेटेज कर दिया है 12 मार्क्स का। और यहां पर भी आपको 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया सी बात है। और यहां पे दोस्तों आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो क्या मिलेगा कि यहां पे जो ऑप्शंस है उसमें से कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं सेट हुआ है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। पर ये चैप्टर में भी, मतलब ये सब सेक्शन में भी देखो, पहले 16 मार्क का वेटेज हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, उसकी जगह पे आप 12 मार्क्स कर दिए है, मतलब यहां पे आप लोगों के लिए ये नेगेटिव है क्योंकि यहां पर मार्क कट करके सेक्शन ए बी में बढ़ाया है। अब सेक्शन ई, जहां पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में, जहां पे पहले आपको 3 क्वेश्चंस आते थे, एक एडमिशन का, एक रिटायरमेंट का और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ऐसा था कि 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब तीनों के तीनों चैप्टर के ऊपर आपकी अच्छी सी ग्रिप चाहिए। जबकि अब ऐसा हो गया है कि सेक्शन ई में आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब कोई चैप्टर आपका ग्रिप वाला नहीं है तो वो चैप्टर को आप टोटली इग्नोर करोगे मार्क्स के एंगल से, बोर्ड की एग्जाम के एंगल से, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी 2 चैप्टर के ऊपर आपकी बढ़िया सी ग्रिप होनी चाहिए तो आपके ये फुल 24 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देखो, सीखने के लिए तो सारी चीजें सीखनी है, पर देखो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट को कि हमें 2 साइकोलॉजी रखनी है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो मार्क्स के बारे में नहीं सीखना है, सोचना है नॉलेज के बारे में सोचना है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम नॉलेज गेन करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, और जब हम एग्जाम लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, तब हमें ये फोकस करना है कि हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके टॉप रिजल्ट ला सके। तो यहां पे एग्जाम के एंगल से आप कोई भी 2 चैप्टर के ऊपर बढ़िया से ग्रिप रखें तो आपके फुल 20 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। और लास्ट में होता है हमारा फाइनल अकाउंट, और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी 2 आएंगे और 2 ही अटेम्प्ट करना है, और टोटल इसका वेटेज होने वाला है आपका 22 मार्क्स का। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपके लिए अच्छी बात हुई है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन मिलने वाला है। लास्ट सिस्टम जो थी उस तक ऐसा था कि आपको स्पेसिफिक ऑप्शन मिलते थे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऑप्शन में उसी चैप्टर का क्वेश्चन आता था, मतलब आपको वो चैप्टर आना ही चाहिए। जबकि अब जनरल ऑप्शन हो गए, मतलब अगर हम सेक्शन ई की ही बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से 1 क्वेश्चन आएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से भी 2 आएंगे। मतलब ये 5 में से आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब सपोज आपकी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई है पर ये रिटायरमेंट और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पे आपकी अच्छी ग्रिप है तो आपको आराम से कोई भी 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां पर ऐसा सेक्शन सी, डी और ई तीनों में हुआ है, तो ये एक चीज आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। क्लियर? अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हर एक चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये चीज बोर्ड में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी इतनी माइन्यूटली नहीं दी है, ये मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बाइफरकेशन करके बता रहा हूं। मतलब अकाउंट में पार्ट 1 में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो उसमें आपको सेक्शन ए में एक एमसीक्यू रहेगा। देखो ये जो ए लिखा है दैट मीन सेक्शन ए बी सी डी, बाजू में ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो ये है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर इस चैप्टर में से सेक्शन बी यानी कि वीएसक्यू में भी 1 क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क के क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 सम्स आएंगे। अब यहां पे देखो टोटल कितना हो गया, 1 मार्क एमसीक्यू का, 1 मार्क वीएसक्यू का, और सेक्शन सी में 3-3 मार्क वाले 2 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क, तो टोटल कितना हो गया, 6+1+1 यानी कि 8 मार्क। पर आपको इसमें से लिखना कितना हो सकता है, 5 मार्क का। देखो ए और बी ये तो कंपलसरी है, पर यहां पे सी में आपको ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप कोई एक लिखते हो तो भी यहां पे चलेगा। तो यहां पे ये जो मार्क्स है वो है एक्चुअल मार्क्स, और यहां पे आपको ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स है वो दिया है। ठीक है,
तो यह आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक चैप्टर में मैं दिखा देता हूं, दो तीन चैप्टर में दिखा देता हूं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है उसमें तो एक ही क्वेश्चन आता है सेक्शन एफ में 11 मार्क्स का, और यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, यानी कि 11 मार्क्स का आएगा और आपको भी 11 मार्क्स का ही लिखना है। उसी तरह से चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें देखो आपको सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में दो वीएफक्यू आएंगे, और सेक्शन डी जिसमें कि 4 मार्क के सम होते हैं उसमें 2 सम आएंगे। तो यहां पे देखो ये 4 मार्क के 2 सम यानी कि 8 मार्क प्लस सेक्शन बी में 2 वीएफक्यू यानी कि उसके 2 मार्क और सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, तो टोटल यहां पे कितना हुआ 11 मार्क्स। पर आपको इसमें से कितना लिखने का हो सकता है, तो सेक्शन ए और बी ये तो कंपलसरी है, मतलब 3 मार्क कंपलसरी, पर यहां पे डी में आपको ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें से आप एक अटेम्प्ट करते हो तो 4, तो यहां पे टोटल क्या हो गया 7 मार्क। समझ में आ रहा है? तो अगर आप गुजराती वाला नोटिफिकेशन भी देखते हो या आपके कोई गुजराती मीडियम के फ्रेंड्स है, उसमें तो ऐसा डिटेल में है ही नहीं, पर उनको भी आप ये समझा सकते हो। उसी तरह से देखो एक और चैप्टर दिखा देता हूं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू यानी 2 मार्क, सेक्शन बी में 1 वीएसक्यू यानी कि 1 मार्क, और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क। तो यहां पे देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 यहां पे, तो टोटल आपको यहां पे अटेम्प्ट करना होगा 5 मार्क का, क्योंकि यहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो इस तरह से ये एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन का है। उसी तरह से पार्ट टू में फिर से एक दिखा देता हूं, पहला है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखो यहां पे सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आएगा जो पहले भी आता था, फिर सेक्शन बी में एक वीएसक्यू आएगा, और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन 8-8 मार्क आएंगे, तो 8 + 8 = 16 प्लस एक एमसीक्यू प्लस एक वीएसक्यू यानी कि टोटल कितना हो गया 18 मार्क का। पर उसमें से एक ऑप्शन यहां पे जो मिल रहा है उसको निकाल दे तो एक एमसीक्यू एक वीएसक्यू और एक फुल सम, तो यहां पे इसका वेटेज टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स का। उसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके ये सारे चैप्टर्स को डिटेल में देख सकते हो। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको इसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे क्लास के जो स्टूडेंट है, हमारी एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट है, और हमारी स्कूल के जो स्टूडेंट है, उनको तो मैं ऑलरेडी ये पहुंचा चुका हूं, पर आप गुजरात में कोई भी सिटी में रहते हो और आपको ये चाहिए तो मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता देना, ये चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर? और ये न्यू पेपर स्टाइल के हिसाब से आपका जो भी पेपर होगा दोस्तों, वो उसी सिलेबस में से होगा जो कि बोर्ड ने अक्टूबर 2020 में डिक्लेयर कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सिलेबस बाहर आ जाए, 2020 अक्टूबर मंथ में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने न्यू सिलेबस डिक्लेयर कर दिया था, कुछ चीजों को कटआउट कर दिया था। आपको पता ही होगा 30% सिलेबस कट किया है। आपको अगर पता ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका भी मैंने डिटेल वीडियो रखा हुआ है कि अब हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक अब कट हो चुके हैं। तो वो भी अगर आपको कंफ्यूजन हो या पता ना हो तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिल सकती है, तो हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन और बाकी सारे अमेंडमेंट, बाकी सारे सब्जेक्ट के भी वीडियोज वगैरह मिलेंगे। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है कॉमर्स के किंग्स, उसके ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन जो कि है साहस स्मार्ट स्टडीज, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करके अपना अकाउंट भी फ्री में क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान रखना दोस्तों, आज 30 दिसंबर है, कल 31 और 1 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। 2020 चाहे कितना भी बुरा गया हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। न्यू ईयर से पहली जनवरी से ही नया रेजोल्यूशन लो कि इस साल पहली जनवरी से ही मैं बढ़िया से प्रिपरेशन करूंगा और मेरे जो भी सारे ड्रीम्स है, मतलब 12th कॉमर्स में एक्सीलेंट रिजल्ट लाना और उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत बढ़िया प्रोफेशनल करियर बनाना, तो उसको सेट करो, अपना गोल सेट करो और उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स अपनी लगाओ। अगर आपको जरूरत हो तो भी इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सभी स्टूडेंट को यहां पे स्पेशल जो साहस गोल चार्ट है और साथ में ही साहस स्टडी प्लानर है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो भी पूरा डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको प्रिपरेशन में कंफ्यूजन है तो भी आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी भी आपके पास 4 महीने पूरे हैं, उसमें आप दी बेस्ट प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से कम टाइम में एक्सीलेंट लेवल पे कर सकते हो और अपने जो भी गोल है, जो भी ड्रीम्स है, वो सारे के सारे अचीव कर सकते हो। कोई एक्सक्यूज, देखो लूजर्स जो होते हैं वो
एक्सक्यूज देते हैं कि ये COVID-19 हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो विनर्स हमेशा उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं और अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है इसी के ऊपर हमेशा फोकस रखते हैं। तो आपको भी उसी के ऊपर फोकस रखना है, उसमें कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम लोग हमेशा आपके साथ ही है। और अभी तक आपकी प्रिपरेशन सपोज प्रॉपर नहीं हुई है 12th कॉमर्स में और आपको टेंशन है कि इतना सारा टाइम हो गया, इतना सारा सिलेबस भी सपोज हो गया, ऑनलाइन हो गया है, बट मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन हुई है पर अभी तक जो टीचर्स है या स्टूडेंट है वो अभी भी 19th या 20th सेंचुरी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको बोरिंग लगेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, मतलब एक्सीलेंट प्रिपरेशन हाई टेक सिस्टम पे, जिस तरह से आप ये सेशन देख रहे हो उसी तरह से सभी सेशन, सभी टॉपिक देखने हैं जहां पे आप लोग कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन ले सको और वो भी लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट फीस, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी कम फीस पे आप एक्सीलेंट एजुकेशन को अवेल कर सकते हो फ्रॉम साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, तो यहाँ पे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देते हो तो उसके अंदर आपको बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे विच आर डिजाइन बाय द एक्सपर्ट, मतलब जो भी चैप्टर है आपका उसको हम लोग प्रॉपरली डिजाइन करते हैं टॉपिक वाइज ताकि आप आसानी से सिक्वेंस में समझ सको, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एग्जाम्पल्स कर सको और कॉन्सेप्चुअली सभी चीजों को समझ सको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे हम लोग आपको बेस्ट एक्सीलेंट टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। जैसा ये सेशन आप देख रहे हो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इस सेशन की टेक्नोलॉजी सिस्टम एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी तरह से सभी टॉपिक्स यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टॉपिक वाइज रखे हुए हैं जिसमें आप कम से कम टाइम देके एक्सीलेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास किया है इधर उधर की बातें करके, एकदम टू दी पॉइंट विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सारी चीजें समझाई है ताकि आप कम टाइम पे जबरदस्त प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअली कर सको। पास्ट सारे के सारे बोर्ड के पेपर्स विथ सॉल्यूशन, मतलब ये अभी अगस्त 2020 में भी जो एग्जाम हुई थी बोर्ड की वो भी पेपर विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो आपको मार्केट में से बोर्ड पेपर सेट तो शायद मिल जाए पर पेपर सेट का सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट में डिटेल में वो हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। यहाँ पे आपको इसका लाइव एक्सप्लेनेशन वाला सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स है वो भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज भी और पूरा सिलेबस को कवर करता हो ऐसा भी। इसके साथ साथ हम आपको लाइव सप्लीमेंट्री चेकिंग करके दिखाते हैं, ये हमारी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर आपको कुछ मिल भी जाएंगे जिसपे आप देख सकते हो कि हम लोग स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री लाइव चेक करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पेपर लिखना है, कहाँ पे कौन सी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, कहाँ पे मार्क्स कट हो सकते हैं, कहाँ पे हम लोग मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव सप्लीमेंट्री चेक करके दिखाता हूँ वो भी आपको मिलेगी। अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका वेटेज भी बढ़ गया है, तो आप अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू के टेस्ट दे सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे जिसका रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट, मतलब जैसे ही आपने टेस्ट खत्म किया तुरंत आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे सेक्शन ए में आपकी प्रिपरेशन कैसी है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर हम लोग तो ऑलरेडी दूसरी जगह पे हाई फीस पे कर चुके हैं, पता नहीं चला है फिर भी फीस पे कर चुके हैं और अब न्यू फीस के लिए यहाँ पे भले ना सर आप बहुत कम फीस रख रहे हो तो भी सपोज पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ हमारी पूरी साहस की टीम पूरी तरह से रेडी है कि कुछ भी करना है पर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा लाना है, आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो हम लोगों ने एक न्यू सिस्टम स्टार्ट की है 1 जनवरी से, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जहां पे आपको हर एक हफ्ते में एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी टोटली फ्री। आप उस एक हफ्ते के अंदर उस चैप्टर के सारे सेशंस देख सकते हो, वीडियो सेशंस देख सकते हो, पैम्पलेट ले सकते हो, सभी के सभी एग्जाम्पल भी लाइव सॉल्व करके दिखाए हैं, वो भी आप गुजरात की कोई भी जगह की आप सिस्टम चेक करोगे और उसके साथ हमारे सिस्टम को कंपेयर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वो भी टोटली फ्री। तो आप इसके लिए अगर आप चाहते हो कि सर मुझे फ्री एक्सेस लेना है पढ़ाई का, 1 जनवरी से मुझे लग जाना है पढ़ाई के पीछे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो भी नाम है
आपकी स्कूल का नाम, आप कौन से सिटी में रहते हो, आपकी सिटी और आपका मोबाइल नंबर, एक कॉन्टेक्ट नंबर कॉलिंग के लिए और दूसरा व्हाट्सएप नंबर, इतनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है ऑन दिस नंबर। मतलब ये नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दो अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम आपको फ्री एक्सेस ग्रांट कर देंगे, जिससे कि आप हर हफ्ते एक एक चैप्टर को फ्री में पढ़ सकते हो। तो आप उसको देख सकते हो, आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि सर ये तो बढ़िया क्वालिटी का है और मुझे सारा एक्सेस मेरे मर्जी के हिसाब से पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको फायदा पहुंचाएगी और 1 जनवरी से आप लग जाओगे, आपके एक्सप्रेशन भी ऐसे हो जाने चाहिए अभी कि अभी मजा आएगा बिडू, क्योंकि बिना किसी टेंशन के बहुत एक्सलेंट लेवल पे आप पढ़ाई कर पाओगे। और ये मैंने कहा कि गोल चार्ट, स्टडी प्लानर वो भी चाहिए तो मुझे चैट में कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं प्रोवाइड करूंगा। आप 4 महीने के अंदर तो आराम से मतलब ग्रेट लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं मेरा ये सेशन खत्म कर रहा हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट के भी ऐसे सेशन हमारी एप्लीकेशन पर तो है ही और आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए, यानी कि 11th 12th FY SY TY BCOM, ये स्पेसिफिकली सिर्फ MS यूनिवर्सिटी वडोदरा के लिए है, या फिर CA या CS के लिए आप अवेल करना चाहते हो, मतलब लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट और आपका करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके SAS स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए, जिससे कि आप लोग बढ़िया सा एजुकेशन एक्सपीरियंस कर सके। और तब तक हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।